झारखंड से आपको बड़ी खबर बता दें, कैबिनेट मंत्री आलमगीर आलम के पीएस संजीव लाल और उनके नौकर जहांगीर आलम को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया है। शिखा देखिए, ये बड़ी खबर सामने आई है, कल ही छापेमारी हुई थी और 45 करोड़ जब्त किए गए थे, जिसके बाद ये गिरफ्तारी की गई है। ईडी की छापेमारी में कैश का भंडार मिला है और ये नगद रुपए कूट के डब्बों, पॉलिथिन और कपड़े की पॉलिथिन में भरकर रखे हुए थे। इसके साथ ही ईडी ने संजीव लाल के करीबी बिल्डर मुन्ना सिंह के घर से 3 करोड़ रुपए नगद जब्त किए हैं। बिल्कुल रश्मि, तो जिस तरीके से कैबिनेट मंत्री आलमगीर आलम के पीएस संजीव लाल और उनके नौकर जहांगीर आलम को ईडी ने आज गिरफ्तार किया है, कार्रवाई कल से ही चल रही है। जिस तरीके से नौकर के घर से कैश बरामद हुए हैं भारी संख्या में, रश्मि, एक मशीन से काम नहीं हुआ तो दूसरा मशीन मंगाना पड़ गया और लगातार उसकी संख्या जो है वो बढ़ती चली जा रही थी। उसके बाद अब ये कार्रवाई हुई है जहां दोनों को गिरफ्तार किया गया है। लगभग 45 करोड़ रश्मि, 1-2 करोड़ नहीं, बड़ी रकम है 45 करोड़ जब्त किए गए हैं। ईडी की छापेमारी में कैश का भंडार मिला है, साथ ही कई जेवर और गहने भी बरामद किए गए हैं। बिल्कुल शिखा, और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी संतोष भी जुड़ गए हैं। संतोष, देखिए ईडी की ये बड़ी कार्रवाई है, आलमगीर आलम के पीएसए संजीव लाल और उसके नौकर जहांगीर आलम को ईडी ने गिरफ्तार किया है, क्या जानकारी मिल रही है? देखिए, अभी भी छापामारी चल रही है रश्मि, और जो स्थिति है कि कल जो नोट गिनने का मशीन है, 5 मशीन मंगाया गया था, लेकिन उस मशीन में 1-2 मशीन खराब हो गया। उसके बाद देर रात एक और बड़ा मशीन मंगाया गया। अभी तक मात्र 30 करोड़ की भी गिनती हो चुकी है और जो स्थिति है, लगभग 12 बक्से मंगाए गए हैं। जो बड़ा बड़ा बक्सा होता है, जो बैंकों में रुपया रखा जाता है, और जो सबसे बड़ी मुश्किल की बात है कि अभी दोनों को अरेस्ट किया गया है और ईडी अपने साथ ले गई है। जो चाहे वो आलमगीर आलम केंद्रीय कैबिनेट मंत्री जो हैं झारखंड सरकार में, उनके पीएस संजीव लाल को, या जो नौकर जिसका वेतन मात्र 15,000 था लेकिन सफर करोड़ों का कर रहा था, तो जो स्थिति है कि जाकिर आलम को भी ईडी ने गिरफ्तार किया है, पूछताछ कर रही है। तो अब देखना होगा कि क्या मंत्री जी के मुश्किलें बढ़ने वाली है कि अब ये मंत्री जी को भी समन भेज कर, क्योंकि बीजेपी लगातार, कल प्रधानमंत्री उड़ीसा में सभा में बोले कि जिस तरह से झारखंड में नोटों का पहाड़ मिला तो मोदी को लोग गाली देते हैं, हम किसी को करप्शन होने नहीं देंगे, चाहे वो जो भी कोई हो। तो एक और जहां बीजेपी लगातार विपक्ष को, कांग्रेस को और जेएमएम को घेरने का काम कर रहा है, वही दूसरी ओर झारखंड में नोटों का भंडार। इसके पूर्व में जाने की कोशिश करेंगे तो लगभग जो पूजा सिंघल आईएएस थे उनके घर 19 करोड़ रुपया मिला था। इसके बाद कांग्रेस नेता धीरज साहू, यहाँ 351 करोड़ मिला था। तो कई बार अभी भी छापामारी जारी है, लगभग 5-6 ठिकानों पर भी छापेमारी कल दिन भर होती रही। तो क्या आज भी ये छापेमारी जारी है? नोटों की गिनती तो चलिए एक तरफ है कि नोटों की गिनती की जा रही है, दूसरी तरफ अगर हम छापेमारी की बात करें तो आज कितने ठिकानों पर छापेमारी चल रही है, इसे लेकर क्या जानकारी? देखिए, अभी भी लगभग 3 ठिकानों पर, जो संजीव लाल के जो पीएस है उसके ठिकाना पर अभी भी रेड जारी है, जो जाकिर आलम नौकर है उसके यहाँ, और जो संजीव लाल के करीबी मुन्ना सिंह जिसके यहाँ 3 करोड़ रुपया बरामद हुआ था, उसके यहाँ भी छापामारी जारी है। सबसे ताजुब की बात है कि जब कल मंत्री से बात किया गया आलमगीर आलम, तो अपने आप को इसमें कुछ बोलने से परहेज कर रहे थे। उनका कहना था कि पीएस पहले भी किसी और मंत्री के घर में रहा है। तो कई सवाल खड़ा विपक्ष कर रहे हैं, बीजेपी लगातार घेरने का काम कर रही है कि आखिर मंत्री को क्यों नहीं बर्खास्त किया जाए। तो बीजेपी का मांग है कि मंत्री को बर्खास्त किया जाए और उसके बाद जांच किया जाए, क्योंकि जितना रुपया बरामद हुआ अभी तक, जो गिनती में ईडी सूत्र बता रहे हैं, लगभग 30 करोड़ रुपया बरामद हुआ है। अभी भी गिनती जारी है, जो ईडी सूत्र बता रहे हैं लगभग 45 करोड़ का अनुमान हो, उससे बढ़ भी सकता है, क्योंकि 12 बक्सा 2 गाड़ी से जो बैंक के लॉकर के गाड़ी से बक्सा लाया गया, जो ट्रंक है, बड़ा बड़ा ट्रंक आप विजुअल के माध्यम से देख सकते हैं रश्मि, की जो स्थिति है कि लगातार बक्सा मंगाया जा रहा है और बक्सा कम पड़ जा रहे हैं रश्मि, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं किस तरह जो काले धन का, काली करतूत का जो पहाड़ खड़ा था
उसको पर्दाफाश ने ईडी ने किया है। तो लगातार जो छापामारी ईडी कर रही है, कई सवाल उठते हैं। जो संजीव लाल का जो पृष्ठभूमि देखेंगे, क्योंकि सीबीआई जो 37 लोगों के खिलाफ जो प्राथमिक आरोप पत्र दायर किया है, उसमें संजीव लाल की में भूमिका, क्योंकि जेपीएससी घोटाला में अवैध नियुक्ति में संजीव लाल का भी अहम भूमिका है, उसमें मंत्री जी की भूमिका भी अहम रही है, क्योंकि चाहे वह विधानसभा की नियुक्ति घोटाला के बात करें या जेपीएससी। तो कई तरीके से यह भी जानकारी मिल रही है कि ईडी ने संजीव लाल के करीबी बिल्डर मुन्ना सिंह के घर से भी 3 करोड़ रुपए नगद जब्त किए हैं। इसको लेकर क्या कुछ खास कार्रवाई की जा रही है संतोष? देखिए, कल जब पहले संजीव लाल जो पीएस है मंत्री जी के, उनके यहाँ रेड हुआ, उसके बाद पूछताछ संजीव लाल से ईडी ने जब कड़ाई से पूछताछ की, खुद ईडी डायरेक्टर कपिल राज खुद जाकिर आलम के आवास पर गए, खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं, तो उसके बाद जो संजीव लाल के करीबी जो मुन्ना सिंह है उसके घर से लगभग 3 करोड़ रुपया बरामद हुआ। अभी भी कई कागजात जो देख एक सबसे बड़ी बीजेपी कल बाबूलाल मरांडी पीसी करके उन्होंने एक कागजात जो बताया कि ट्रांसफर पोस्टिंग का खेल, जिसमें कांग्रेस अध्यक्ष राजेश ठाकुर का एक लेटर भी बरामद हुआ है, उसमें ट्रांसफर पोस्टिंग का खेल कैसे होता था झारखंड में, मंत्री के सहारे एक ईडी के द्वारा पत्र लिखा गया था कि इस विभाग में ग्रामीण विकास में जो वीरेंद्र राम पकड़ा, जब गिरफ्तारी थी 2023 में, उसी समय ईडी के अधिकारी मुख्यमंत्री को पत्र लिखे थे कि ग्रामीण विकास में बड़ी टेंडर में घपला घोटाला हो रहा है, इसकी जांच की जाए और प्राथमिकी, वो भी लेटर जो जाकिर आलम के घर में पकड़ा है। तो कई सवाल इस रेड के बाद विपक्ष बीजेपी लगातार सरकार को, जो झारखंड सरकार उसको घेरने का, तो अभी भी रेड जारी है। और जो स्थिति है कि नोटों की गिनती के लिए लगातार 5-6 मशीन मंगाई गई है, और अभी एक मशीन रात में खराब होने जाने के कारण कुछ देर के लिए जो नोटों का गिनती है उसको रोक दिया गया था, लेकिन फिर बड़ी मशीन मंगाई गई है, कई बैंक कर्मियों को लगाए गए हैं। तो देखना होगा रश्मि कि अब ईडी जो दोनों लोगों को गिरफ्तार किया है, चाहे वो संजीव लाल हो या जाकिर आलम को गिरफ्तार किया है, तो अब देखना होगा कि और किसको ईडी पूछताछ के लिए बुलाती है, या ईडी आज क्या किसी बड़े ठिकानों पर रेड करती है, तो अब देखना होगा। बिल्कुल संतोष, नजर बनाए रखिए, लगातार आपसे अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।